फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है ऊपर पानी ख़त्म हो चुका है, इसी वजह से इस टाइम पे मैं पानी लेने जा रही हूँ। हमारे घर पे जो नीचे पानी की सप्लाई रहती है, जिसमें पानी रहता है टैंक में, वहाँ से, क्योंकि ऊपर जो है अगर एक दिन कपड़े ऊपर धो लिए जाएँ तो 3-4 दिन में वाटर सप्लाई आती है, तो तब तक वहाँ पर जो है पानी पूरा ख़त्म हो जाता है। और अभी ऊपर सीढ़ियों से नीचे आ रही हूँ, तो तब तक जो है मेरी सांस भी फूल गई है। आजकल पता नहीं सांस फूलने वाली दिक्कत भी होने लग गई। और अभी मैं, क्योंकि आज कपड़े धोने, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, अभी वो इसी जैसे मैं पानी लेके जा रही हूँ। शायद वाटर सप्लाई कल आएगी, तो आज छोटी दिवाली है, तो आज छुट्टी भी थी, इसी वजह से मैंने सोचा कि आज कपड़े धुल जाएंगे, इसी रीजन से। अगर कल तक वेट करती तो कल और भी काम। देखा तो है, जो है ऊपर पानी, अभी जो है ऊपर पानी लेके जा रही हूँ। सर्दी कपड़े निकाल के रखे हुए मैंने सारे, उनको सेट करूंगी। कुछ कपड़ों को जैसे धूप लगा दूंगी और कुछ जैसे बिखरे हुए हैं अभी देखती हूँ। पहले तो अलमीरा को सेट करती हूँ उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मेरे रूम में 2-3 अलमीरा है, लेकिन उसमें बच्चों के कपड़े और फिर साथ में जो है मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े रखने में बहुत परेशानी हो रही है। इतने सारे कपड़े हैं, बच्चों के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो उस वजह से जो है रूम ही छोटा पड़ गया है इस टाइम पे। तो अभी सेट करती हूँ, देखती हूँ कि इन कपड़ों के मैं, तो देखो ये मैंने बैग निकाल के रखे हुए हैं सारे, और यहाँ पे भी कपड़े हैं सर्दी के हैं सारे, क्योंकि सुबह जब मैंने शाम को निकाल दी थी बेड के अंदर से, तो सुबह जब बच्चों को ढूंढ रही थी तो आगे पीछे हो गया, पता नहीं चला कौन से कहाँ, तो अभी इनको सेट करके रखूँगी। और कुछ और साथ में मशीन में कपड़े डाले हुए हैं, और यहाँ पर जो ये रजाई मैंने निकाल दी है सभी के लिए, इनके ऊपर कवर चढ़ाने हैं, अभी कवर बाकी हैं, तो अभी सबसे पहले मैं इनको सेट करूँगी। ये सारे कपड़े मैंने धोने के लिए निकाल दिए हैं, और अब जो है पहले वाइट डाले हुए हैं मेरे हस्बैंड के, क्योंकि उनको जो है वो वाइट कपड़ों के शौकीन हैं, तो 2-3 शर्ट थी और वाइट कुर्ता पजामा था, तो पहले वो डाल दी थी मैंने। अब इसके बाद ये कलर जो कपड़े हैं वो डाल दूंगी। ये वाइट कपड़े धुलने के लिए डाले थे, धुल चुके हैं, तो इनको मैंने अलग से निकाल दिया है, और जो बाकी है अभी जो कलर्स कपड़े हैं वो वाले मैं इसमें डाल दूंगी, ये वाले इसमें मशीन के अंदर अब डाल दूंगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते हैं, मेरे मेरे हस्बैंड के कपड़े तो कम ही रहते हैं। बच्चों के जो है हर रोज़ डेली 2-3 ड्रेस हो जाती है शाम तक एक बच्चे की। और इनको 2-3 बार घुमाना पड़ेगा तब जाके ये होंगे, ये लगा लो कि हर थर्ड डे अगर बच्चों के धोए जाए तो धोने की जरूरत पड़ जाती है, अगर एक वीक में धोए तो पता नहीं सुबह से शाम तक कपड़े धुलने भी नहीं आते फिर। और बच्चों के कपड़े में धुलने में टाइम लगता है, क्योंकि उनके कपड़े जो है मिट्टी से सने होते हैं, वो सारा दिन खेलते रहते हैं, तो उस वजह से जो है उनके कपड़े गंदे ज़्यादा होते हैं, और उनको जो है धुलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और
यहाँ पे जो सर्दी के कपड़े मैंने निकाल रखे हैं उनको मैं धूप लगा रही हूँ, जिससे जो थोड़ी सी अलग सी जो स्मेल सी आती है वो इनसे गायब हो जाएगी। वैसे धो के रखे हुए थे लेकिन फिर भी थोड़ा धूप लगा दूंगी इनको, तो जिससे जो है ये ठीक रहेंगे, जो बंद की स्मेल आती है वो नहीं आएगी इनके अंदर। और फिर जो है एक घंटे के बाद इनको मैं वापस उतार लूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे धुले हुए कपड़े भी डालने हैं तब तक, क्योंकि ऊपर इतनी जगह नहीं है कि ज़्यादा कपड़े डाले जाए, तो इस वजह से जो है मैंने सोचा पहले ये डाल देते हैं, उसके बाद जो है गीले कपड़े होंगे वो यहाँ पे डाल दूंगी। जो गर्म कपड़े धूप में सुखा रखे थे उनको मैंने उतार लिया था, और अब जो है वाइट कपड़े और कुछ कलर कपड़े जो धुल गए हैं वो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं। कपड़े मैंने धो लिए थे, और शाम को जो है नाइट में गर्वित जो है जिद कर रहा था कि नहीं लाइट लगानी है, तो फिर उसी के लिए जो है यहाँ पे पड़ोस में जो बच्चे हैं उनको बुला रखा था, वो यहाँ पे लाइट लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ये तो पता नहीं होता क्या करना क्या नहीं, बस दूसरों के देख ली कि उनको ये कराया, किसी ने बोल दिया कि तुम भी लाइट लगा लो, तो बच्चे बस उसी जिद में अकड़ जाते हैं। अकेली लाइट भी नहीं, कोई भी काम हो बच्चों को ये बोला जाए कि तुम भी ऐसे कर लो, बस वो किसी के कहने से ही चल पड़ते हैं। फिर तो अब जो है लाइट घर पर रखी हुई थी तो वो लग दी है, और अब जो है लाइट लगने के बाद ये देखिए इनको देख कर बहुत खुश हो जा रहा है कि हाँ भाई मेरे घर पर भी लाइट लग गई है। तो लड़ियाँ लग चुकी हैं, और इसके बाद जो है कपड़ों की जो सेटिंग करनी थी गर्म कपड़ों की वो रह गई है, वो तो कल ही होगी, क्योंकि ये सब काम मैं छोटी दिवाली के दिन कर रही हूँ। और गर्वित इस लाइट को देख के खुश हो ही जा रहा है। और फिर नेक्स्ट डे जो है दूसरे दिन दोपहर में मैंने सारे कपड़ों को यहाँ पे बिखेर रखा हुआ, घर पे और कोई था नहीं, पिताजी थे और वो नीचे सो गए थे, और फिर इसको रखने वाला कोई नहीं था, और गर्वी को मैंने सुला दिया था, तो मैंने जो है अपने रूम को बंद करके इसको इन कपड़ों के बीच में बिठा दिया है, और फिर जो इन कपड़ों की सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो बार बार बाहर निकल जाता है रूम से, तो अब मैं इनकी सेटिंग कर दूँगी। और फिर इनकी सेटिंग करने के बाद में फिर वही दिवाली का शाम का काम स्टार्ट हो जाएगा, दिए लगाना और जो कुछ भी करना हम मतलब जो भी कढ़ाई का कुछ बनाना है वो सारी चीज़ें। तो अभी जो मैं कर रही थी ये बीच में मेरा बेटा रोने लग गया, तो अभी जो है मैंने बीच में इसको छोड़ के मैंने सोचा कि इसको सुला देती हूँ अगर सोएगा तो, बेटे को सुला दिया था, और ये कपड़ों की जो है सारी सेटिंग मैंने कर दी थी। इसे एक अलमीरा में मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं सारे ऊपर सर्दी के, और जो भी नीचे डेली रूटीन में जो पहनती हूँ, और दूसरे जो अलमीरा है उसमें मैंने अपने बच्चों के कपड़े रख दिए हैं, और इस अलमीरा में जो है एक मैंने सक्षम के कपड़े रख दिए हैं, और एक साइड मैंने गर्वित के कपड़े रख दिए हैं दोनों, और उसके पापा के जो कपड़े हैं वो मैंने अलग अलमीरा है एक और उसमें रख दिए हैं दोनों के। तो इस तरह से सारे बच्चों के मेरे और जो है मेरे हस्बैंड ने सबके कपड़े सेट कर दिए हैं। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ आलू और टमाटर की सब्जी बनाने की, क्योंकि मालपुड़े बना रहे हैं तो मैंने सोचा कि जो तरी वाली सब्जी बना लेंगे, नहीं तो मैं छोले बनाती, फिर छोले घर पे इस टाइम जो आज नहीं थे तो सोचा कि आलू और टमाटर बना लेंगे, और उसके साथ जो है मालपुड़े के लिए मैंने चीनी एक डेढ़ घंटा पहले भिगो के रख दी थी, तो अब जैसे ही सब्जी बनाने के बाद मैं आटा घोल लूंगी मालपुड़े के लिए, और उसके बाद जो है मालपुड़े बनाऊंगी। अब बना लेती हूँ सब्जी। सब्जी बनाने के लिए रख दी है, और ये चीनी को पहले भिगो रखा था, अभी जो इसका आटा घोल लेती हूँ। आटा मैंने घोल लिया है, और अभी मालपुड़े बनाने स्टार्ट कर दिए हैं मैंने, और एक एक करके जो है इस तरह सारे मालपुड़े उतार दूंगी, क्योंकि जैसे कई घरों में होता है कि एक दो मालपुड़े लेते हैं साथ में चपातियाँ खा लेते हैं, लेकिन मेरे घर में क्या है अगर मालपुड़े बन रहे हैं तो चपातियाँ कोई नहीं खाएगा, तो इसलिए जो है जितने पेट पे जाकर मालपुड़े के साथ ही हो गए, उसके साथ जो है अभी मैंने आलू सब्जी बना ली है, क्योंकि जिस दिन मालपुड़े बनते हैं उस दिन कोई भी फेस्टिवल या कुछ भी हो उसके साथ जो है मेरे घर में आलू की सब्जी या फिर छोले की सब्जी ही बनाई जाती है, क्योंकि इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। कई ऐसे बोलते हैं कि चटनी के साथ मालपुड़े अच्छे लगते हैं, वो तो अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को चटनी के साथ अच्छे लगते हैं, किसी को कढ़ी के साथ अच्छे लगते हैं, किसी को आलू की सब्जी या छोले की सब्जी के साथ अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से जो है
बहुत सारे मालपुड़े बनाने पड़ेंगे। ये भी रहता है कि आप मालपुड़े बना रहे हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तब तक हलवा आप 4-5 बार बना लोगे, लेकिन मालपुए जैसे मेरे घर की जो क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। और इसके साथ साथ ये मालपुड़े मैंने जब मेरे हस्बैंड आ गए थे तब बनाने स्टार्ट किए थे, क्योंकि शाम के टाइम बच्चे जो है नहीं रहते, वैसे तो मेरे बच्चे किसी भी टाइम नहीं रहते, लेकिन शाम के टाइम उसका रोना ज़्यादा ही स्टार्ट हो जाता है और पिताजी की जो है तबीयत ख़राब रहती है तो वो ज़्यादा टाइम तक उसको नहीं रख सकते क्योंकि वो खुद परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि थोड़ा जल्दी आ जाएं, तो वो 5:15 आ गए थे आज, और तो फिर मैंने 5:30 जो है मालपुड़े बनाने स्टार्ट किए। और यहाँ पे मेरा घर भी जो है बड़ा बेटा वो शरारत किए जा रहा है, बस इसको सारा दिन तोड़ा फोड़ी चाहिए। और यहाँ पे साथ में जैसे मालपुड़े बन रहे हैं उसी साथ में मैंने दिए भी रख लिए हैं, उनको पहले मैंने भिगो दिया था पानी में और धूप भी लगा दी थी, और साथ में जैसे जब तक कढ़ाई में मालपुड़ा चल रहा है तब तक मैं यहाँ पे जो है इन दियों को रेडी कर रही हूँ, सारे सभी को प्लेट में रख लिया है, क्योंकि सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे घर पे और कोई नहीं है लेडीज़ की जो ये काम कर सके, आज मैं अकेली ही हूँ। तो अब जो है मालपुड़े तो बनकर रेडी होने वाले हैं, और साथ में जो मेरे बेटे को जो है वो मेरे हस्बैंड दिए हुए हैं। तो अभी जैसे मालपुड़े बन रहे हैं तो साथ में मैंने पिताजी को दे दिए हैं, जैसे मालपुड़े बने पूजा के लिए मालपुड़ा अलग निकाल दिया था, पिताजी को दे दिए हैं, और गर्वी भी साथ में खाए जा रहा है। बाकी जो है हम बाद में खाएंगे, अभी मैं बना लेती हूँ सारे, उसके बाद दिए भी रखने हैं, और उसके साथ साथ जो है जो भी पूजा करनी है वो भी करनी है। इस तरह एक ही करते हैं सारे मालपुड़े उतार लूंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मालपुड़े घोल अच्छे से नहीं बन पाता, जिस वजह से कई बार या तो ये बिल्कुल बिखर जाते हैं या फिर बिल्कुल एक जगह से चपटे अंदर चिपक जाता है मालपुड़ा, तो ये भी कई बार इसके कई रीजन रहते हैं। तो लेकिन मेरे जो है मालपुड़े वो हमेशा ही परफेक्ट बनते हैं। इस तरह से मैंने सारे मालपुड़े कुछ बना लिए हैं, सारे तो नहीं क्योंकि अभी बीच में मैंने एक बार कढ़ाई छोड़ दी थी, गर्वित रोने सक्षम जो है वो रोने लग गया था, तो उसी पापा ने बोला कि अब ये नहीं रहेगा, तो एक बार जो है मैंने इसको छोड़ के अब दोबारा से लगी हूँ। गर्वित ने और पिताजी ने जो है खाना खा लिया है, क्योंकि उनको मैंने जैसे ही बन रहे थे साथ ही साथ दे दिए थे, और अब जो है बाकी के मैं अभी बना लूँगी। और अभी जैसे कढ़ाई में जो मालपुड़ा है वो तब तक पक रहा है, तब तक जो है मैंने दिए तो यहाँ पे लगा रखे हैं, साथ में जो है एक बोतल से जो है कटोरी में मैंने सरसों का तेल डाल लिया है, तो अब धीरे धीरे इनके अंदर सरसों का तेल और बाती जो है अभी मालपुड़े बस बनने वाले हैं, उसके बाद मैं रख दूँगी। मालपुड़े बन गए हैं सारे, और उसके बाद जो है मैं मालपुड़ों को ढक कर रख दिया है, अब दियों को रेडी कर रही हूँ। तो बाती मैंने इनके अंदर बना ली है, और बाती बनाने के बाद अभी जो है सभी को मैंने प्लेट के अंदर सेट कर रखा है, क्योंकि जो भी दीवार के ऊपर रखने हैं उसको जो है एक एक उठा के इसके अंदर यहीं पे जला के और फिर साथ में रख दूंगी। तो सभी के अंदर जो है अभी मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, वैसे तो जो लड़ियाँ लाइट है वो भी लगा रखी है, लेकिन वो कम लगाई है क्योंकि इसके बाद जो है दिए ही लगाएंगे, लेकिन आजकल जो है एक तरह से लड़ी जो लाइट है उसका चलन ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं जो है दियों का यूज भी करती हूँ। तो ये मैंने दिए लगा दिए हैं सारे, और कुछ दिए जो हमें दीवार के ऊपर रख के आई हूँ उनमें बाती भी रखी है, और एक दो के अंदर वो बाती रख दूंगी, साथ में जो है तेल वहीं पे डाल के वहीं पे लगा दूंगी साथ में। तो अब जो है एक दिए को लगा दिया, अब इसी के साथ जो सारे दिए मैं आपस में लगा लूंगी। ये सारे दिए मैंने लगा लिए हैं, और अभी जो है एक एक करके जो है मैं इनको सारे रख दूंगी, ऊपर भी रखने हैं और कुछ दिए जो है नीचे भी रखने हैं।
लेकिन दिवाली एक जो फेस्टिवल है बहुत खुशी का फेस्टिवल है, क्योंकि जितने भी फेस्टिवल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पसंद मुझे दिवाली और एक जो रक्षाबंधन है, ये दो फेस्टिवल सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन दिवाली पे काम इतना बढ़ जाता है तो उस वजह से जो, और साथ में काम बढ़ना नहीं है, काम तो किया जा सकता है, लेकिन जब छोटे बच्चे ना, मेरे बच्चे मुझे काम नहीं करने देते, बस उस वजह से जो है एक काम करो थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा रोने लगे उसे फिर छोड़ दो, तो बस इस तरह से चलता रहता है। तो पिछले 3 साल से तो मेरी दिवाली ऐसे ही निकल रही है, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं करने दे रहे। नहीं तो मैं दिवाली पर रंगोली भी बनाती हूँ, मुझे रंगोली बनाना भी पसंद है। तो बस अब तो यही वेट कर रही हूँ, बस जल्दी से बच्चे बड़े हो जाएं, 1 साल की बात और है, उसके बाद जो है मैं अपने फेस्टिवल जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। और अब जो हमें कर रही हूँ भगवान की पूजा, दिए मैंने रख दिए हैं और अभी जो पूजा का टाइम हो गया है, तो अभी जो है 8:15 हो चुके थे, अभी जो है मैं पूजा कर रही हूँ। मालपुए मैंने बनाए हुए हैं और मिठाई भी रख ली साथ में और फ्रूट भी ले लिए हैं। अभी बस पूजा मैंने कर ली है और अभी जो है उसके बाद जो है खाना खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को खिला के सुला दिया था पहले, और उसके बाद जो है जो बर्तन होंगे वो साफ कर दूंगी। तो ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग है, अभी खा रहे हैं खाना और फिर जो है बर्तन साफ कर दूंगी और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।